चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महोबा जनपद में, जहां 1993 में नवोदय विद्यालय की नींव रखी गई। महोबा जनपद में ग्रामीण बच्चों को नवोदय विद्यालय में दाखिला मिलता रहा। नवोदय विद्यालय महोबा से कई बच्चे शिक्षक, डॉक्टर, कलेक्टर और कई क्षेत्रों में सफल हुए। हम आपको नवोदय महोबा के अध्यापक और छात्रों के विचार आज हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कैसे नवोदय ने अपना सफर इन्हीं बच्चों की सफलता और इन्हीं बच्चों के मेहनत से तय किया है। मेरा नाम नवनीत प्रकाश परवार है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय महोबा में वर्तमान में TGT गणित के पद पर कार्यरत हूं। सर, आपको जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं और उनमें आपको क्या महसूस होता है, उनको डेवलपमेंट किस प्रकार से आप करते हैं और उनमें कमजोरियाँ क्या होती हैं? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आ रहे हैं, यहाँ मैं एक चीज जरूर करना चाहूँगा कि उसमें से ज़्यादातर किसान परिवारों से और थोड़ा कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से बच्चे आ जाते हैं। पहला चीज़ हमें करना रहती है कि उनके मन से हम ये भाव निकाल देते हैं कि वो ग्रामीण परिवेश से हैं और किसी मामले में वो शहरी बच्चों से कमज़ोर हैं। सबसे पहले हम उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं कि वो ये भूल जाए कि ग्रामीण परिवेश से आए हैं और किसी मामले में किसी बच्चे से कमज़ोर हैं। वो बराबर शहरी क्षेत्र से आने वाले बच्चों को टक्कर देते हैं और उनसे आज ज़्यादा आगे अच्छे स्थिति में निकलने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर ली। आपके विद्यालय से बहुत से बच्चों का अच्छे अच्छे पदों में सिलेक्शन हुआ है, उनके बारे में बताएंगे आप? कई बच्चे हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, निकले हुए इंजीनियर्स बने हुए हैं, डॉक्टर्स बने हुए हैं। इवन जो है पिछले वर्षों में हमारे यहाँ के एक छात्र जयेंद्र कुमार, वो IAS प्रॉपर एग्ज़ाम निकाल करके बना हुआ है, IAS वो हो गया है और वर्तमान में शायद बुलंदशहर में पोस्टेड है। के क्षेत्र में हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के इंटर कॉलेज में लेकर डिग्री कॉलेज स्तर तक अध्यापक हुए हैं और मेडिकल क्षेत्र में हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे जिनके मैं जैसे प्रीति दीक्षित, एक लड़की मीरा अहिरवार, कई बच्चे हम जिनके हमें नाम बहुत सारे हैं जो हम अभी तत्काल में याद नहीं कर सकते, वो मेडिकल की फील्ड में निकल चुके हैं। नीट की परीक्षा उन्होंने निकाल ली है और तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, एक लड़का हर्षित अग्रहरी हमारा डॉक्टर बनने के बाद दिल्ली में पोस्टेड है। मेरा नाम KP अग्रवाल, PGT मैथमेटिक्स। मैंने नवोदय विद्यालय समिति 20 अक्टूबर 1992 को ज्वाइन किया था एज TGT मैथमेटिक्स। अच्छा, आज आपका स्थापना दिवस है विद्यालय का, आपकी पूरी संस्था का? जी, नवोदय विद्यालयों की स्थापना 13 अप्रैल 1986 को हुई थी और इस उद्देश्य के साथ कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा उनकी जो कल्पनाएं थी उनको पूरा करने, उनके सपनों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र के जब बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे तो आपको कोई इसमें असुविधा महसूस तो नहीं होती उनको पढ़ाने में, कच्चे खड़े होते हैं वो? तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में एक हमने विशेषता देखी है कि ये जो बच्चे हैं ये लगन के पक्के होते हैं जी, कठिन परिश्रमी होते हैं, बस उनको जरूरत होती है सही दिशा देने की और इसलिए हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने कि हमें 75% देहात के बच्चे मिलते हैं पढ़ाने और 25% शहर के मिलते हैं, तो उनमें हमें बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा महसूस भी होता है उनके साथ। अच्छा, अभी आने वाले समय पे बच्चों को संदेश देना चाहते हैं आप? जी, 30 तारीख को हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा हो रही है और ये एक ऐसी स्कीम है जो भारत सरकार की अद्वितीय स्कीम है ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। उनके लिए शुभ अवसर है कि 30 तारीख को आएँ, जिन्होंने आवेदन किया है कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों ने, वो अधिक से अधिक इस परीक्षा में शामिल हों और इस परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाएँ ताकि वो अपने आगे भविष्य को सुधार सकें। 13 अप्रैल 1986 को नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें आ पाए, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। नवोदय विद्यालय हमारे जिले का बहुत ही रेपुटेड स्कूल है जिसमें आने के लिए बहुत से छात्र छात्राएं प्रयास करती हैं तथा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्जाम को देकर इसमें एडमिशन लेते हैं। अच्छा, आपकी जब गांव से आप आए, आपकी योग्यता में कोई निखार आया? जी, गांव में इतना अच्छे स्टूडेंट नहीं था लेकिन यहाँ पर आके मेरी मेमोरी बहुत ही तेज हुई तथा मैं 7 मान्य स्टूडेंट के रूप में अभी हूँ। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं भविष्य में एक इंजीनियर के पद पर जाना चाहता हूँ। भैया बहनों को संदेश? मेरे भैया बहनों को, आने वाले भैया बहनों को यही संदेश है कि वो इसमें नवोदय विद्यालय में आने के लिए पूरा प्रयास करें क्योंकि यह बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें नवोदय विद्यालय द्वारा कंडक्ट कराई गई परीक्षा को देकर आ सकते हैं। बिल्कुल रानी मैम, नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम तनु सिंह है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय महोबा कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा गांव का नाम रिवाई सुनाचा है।
और आपके विद्यालय में जब से आपने एडमिशन लिया आपकी योग्यता में कोई अंतर आया? जब से मैंने इस विद्यालय में प्रवेश लिया है तब से मेरी योग्यता में बहुत अंतर आया है। मेरी पढ़ने लिखने की योग्यता में बहुत बहुत सुधार हुआ है और मेरी मेमोरी भी बहुत तेज़ हो गई है। भैया बहनों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भैया बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी इस नवोदय विद्यालय में आने की कोशिश कर सकते हैं और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। आपका पूरा नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम तनु सिंह है, मैं इस स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरा गाँव का नाम रिवाई सुरैचा है। आपका जब से विद्यालय में एडमिशन हुआ तो आपकी योग्यता में कोई अंतर आया? जब से मैं इस विद्यालय में आई हूँ मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि हमारे ज़िले का एक रेपुटेड विद्यालय माना जाता है। हम यहाँ पे आके बहुत खुश हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी टीचर्स हमें मिले और उनसे बहुत सारी शिक्षा हमें मिलती है। यहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है। आप एक गांव से हैं, गांव से आने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ पढ़ाई में के मामले में? गांव में हमें अच्छे स्कूल नहीं मिलते हैं जैसे हमें पता है, तो हम जब यहां पे आए हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है। टीचर्स बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, आप 13 अप्रैल 1986 को नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई और हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती ना यहाँ? दिक्कत हमें नहीं आती, अगर दिक्कत आए तो टीचर्स हमारा सारा सॉल्व कर देते हैं। आप अपने भैया बहनों को कोई संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, आप यहाँ पे आने के लिए जो चयन परीक्षा होती है उसमें हिस्से लें। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि भट्ट है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय महोबा में पढ़ती हूँ। मैं कुलपहाड़ से निवास करती हूँ। ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए मेरा ये संदेश है कि आप लोग अपने बच्चों को कक्षा 5 में इस तरह से तैयार कराइए कि वो नवोदय विद्यालय का की प्रवेश परीक्षा को पास कर सके, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा मंच है जहां पर बच्चों को न केवल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है बल्कि उनके अंदर मूल्यों को भी डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं उनको आधुनिक शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा दी जाती है, जो शायद उन्हें अपने ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध ना हो सके। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, ये दरख्वास्त है, ये अपील है कि ग्रामीण परिवेश के वे सभी अभिभावक जिनके बच्चे छोटे हैं कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं वो अपने बच्चों की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कराएं। नवोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा न केवल कक्षा 6 में होती है, 6 के लिए होती है, बल्कि कक्षा 8 में पढ़ रहे वे विद्यार्थी जो कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं या कक्षा 10 में प्रवेश पढ़ रहे विद्यार्थी जो 11 में प्रवेश लेना चाहते हैं वो सभी तैयारी करके नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास करके विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है, भोजन और यूनिफॉर्म सारी चीज़ें फ्री होती हैं। कहने का मतलब ये कि केवल फ्री की बात नहीं है बल्कि नवोदय विद्यालय में जिस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं वो एक आधुनिक शिक्षा है और ऐसी शिक्षा को प्राप्त करके उसका पूरा पूरा फायदा उठा करके बच्चे समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का आज स्थापना दिवस है, 13 अप्रैल 1986 में पहला नवोदय विद्यालय झज्जर में खोला गया था और उसके बाद से दिन प्रतिदिन नवोदय विद्यालयों की न केवल संख्या ही बढ़ती जा रही है बल्कि नवोदय में जो बच्चे पढ़ कर के निकल रहे हैं उन बच्चों ने अपनी एक अलग छवि, अपनी एक अलग पहचान पूरे भारतवर्ष के समाज पर बनाई है। आज हमारे विद्यालयों से निकले हुए बच्चे न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में जा कर के बसे हुए हैं और बहुत अच्छा परिणाम वो अपने हर कार्य क्षेत्र में दे रहे हैं। कहने का मतलब ये कि ये ग्रामीण परिवेश से आए हुए बच्चे हैं, रूरल सेटअप के बच्चे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे फैमिलीज़ के बच्चे नहीं हैं। हमारे यहाँ 75% बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे कहे जा सकते हैं। इन बच्चों ने अपनी मेहनत के बल पर बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है और समाज के अलग अलग वर्गों में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और आज हम सभी शिक्षक ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि नवोदय विद्यालयों में पढ़े हुए बच्चों ने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से ग्रूम किया है, इस तरह से अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया है कि ये कहीं भी भीड़ में जाकर के खड़े होते हैं तो अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं।
नवोदय विद्यालय महोबा महोबा जनपद का एक नवोदय विद्यालय है जो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से लेकर अब तक हमारे विद्यालय में एक IAS मास्टर जयेंद्र निकल करके गए हैं जो आजकल ज़िला मुजफ्फरनगर में ADM के पद पर कार्यरत हैं। साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तो संख्या भी हम लोग नहीं बता सकते हैं, और ये सभी बच्चे हम लोगों को एक ऐसे गर्व की अनुभूति कराते हैं कि हम लोगों को खुद ही इस बात पर गर्व होता है कि हम लोग नवोदय विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, शिक्षक के रूप में, प्राचार्य के रूप में या किसी भी तरह के कार्यकर्ता के रूप में। परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, उसमें भी आप सभी ने इस बात का अनुभव किया होगा कि केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ नवोदय विद्यालय के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी के साथ रूबरू होते हैं और उनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं जिसके वो जवाब देते हैं, और बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत उत्साहित भी होते हैं।